नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं हूं कपिल कार्डपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिस्ट ऑफ द हिंदू एंड अदर दिस इज सिक्थ ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ओके छः सेप्टेम्बर में आप सभी का स्वागत है उम्मीद का तो आप मुझे डेली फॉलो कर रखे हैं इस शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेगा इनके सनी अपडेट होती है या फिर पी डी एफ वी डी एफ सब कुछ यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिलता है सर्च करेंगे टेलीग्राम पर एट द रेट के मेरा चैनल आपको मिल जाएगा राइट right, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन वाले सेशन को एंड uh, ये एवरी संडे अन एकेडमी का एक टेस्ट होता है फ्री टेस्ट होता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप उसको एनरोल कर सकते हैं फ्री टेस्ट होता है ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को पहला को पहली न्यूज़ आप सभी के सामने ये रही नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने इनाग्रेट किया कुछ सीएसआर इनिशिएटिव्स को सिंगरोली डिस्ट्रिक्ट में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स ये सर इनिशियेटिव यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम करना जो कि एक प्रकार से कंपलसरी भी है कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ पर सभी की सभी कंपनीज को अपने प्रॉफिट का दो परसेंट हिस्सा एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोशल सर्विस देना होता है उसी के तहत नॉर्दर्न कोल फील्ड्स ने कुछ ऐसे इनिशियटिवस uh, लिए आपके सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ओके चलिए Northern Coalfields Limited an arm of Coal India Limited Coal India Limited के जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत इन्होंने लॉन्च किए हैं कुछ ऐसे सीएसआर स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स जो कि रिलेटेड है विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर से एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट वीमेन एंपावरमेंट एप्लॉयमेंट जनरेशन इन सब से रिलेटेड है और ये आपका टोटल वैल्यू है इनकी 2.25 करोड़ रुपीस ठीक है कहां पर की गई है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ये आपका सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट uh, में ये चीज़ की गई है वहां के गांव में ये सब चीज़ें आपकी प्रोवाइड करवाई गई हैं इसके तहत क्या क्या किया गया है कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनमें है एक रोड कंस्ट्रक्ट की गई है यहाँ पर आपकी एन के नॉर्द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जिसकी कॉस्टिंग वन करोड़ आएगी ओके और इसके अलावा ये वहां पर आपका कुछ ऐसे सत्ताईस महिलाओं गर्ल्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड उससे अलावा मॉडर्न एजुकेशन के लिए यहाँ पर आठ सेट्स ऑफ स्मार्ट टीवी एंड कंप्यूटर्स भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल्स को राइट एनसीएल बेसिकली सिंगरौली में ही है यहाँ पर मिनी रत्ना कंपनी हम ऑफ कोल के तहत काम करती है एंड ये ऑपरेट करती है दस हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट कोल माइंस वहां पर हैं एंड पंद्रह परसेंट जो नेशनल कोल प्रोडक्शन है वो यहीं से आता है ओके सो एग्जाम से क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं कहां पर सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में तो चीजें आपकी कुछ की वीमेन अपार्टमेंट के लिए उनको स्किल्स डेवलपमेंट स्किल्स के लिए दिया गया आपका मॉडर्न एजुकेशन तहत स्मार्ट टीवी दिया गया एंड समथिंग औटीएल जो नीचे लिखा हुआ है ओके okay, आगे चलते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनग्रेट किया है वेदर रडार एंड जीपीएस बेस्ड एट इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑफिस इन जम्मू ओके सो यहाँ पर आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि है यहाँ पर इनके इन सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर इनग्रेट किया अपना एक अपग्रेडेड स्टेट ऑफ आर्ट यानी इंडिया में बना हुआ यहाँ पर आपका डोप्लर वेदर रडार डोप्लर वेदर रडार यहाँ पर और इंडिया में ही बना हुआ जीपीएस बेस्ड पायलट सोन एट द इंडिया मेट्रोलॉजिकल ऑफिस इन जम्मू ओके सो ये दो चीजें यहाँ पर ऑपरेट की गई हैं स्टार्ट की गई हैं यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा सिस्टम की मैं बात करूं डॉक्टर ने कहा okay, इसी के जब कर, रहे थे या जब कर रहे थे उस टाइम उन्होंने बताया कुछ पिछले सालों में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीजें आपकी इनाइग्रेट की गई हैं अंडर दी मोदी गवर्नमेंट जिसमें शामिल है नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर था कठुआ में नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्पेस इसरो इंडिया का लेवेंडर लेड पर्पल रेवोल्यूशन एंड फर्स्ट कैनबिस मेडिसिनल प्लांट जो कि आई जम्मू के द्वारा ही लॉन्च किया गया ट्रिपल आई जम्मू और फर्स्ट एवर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन और एट दी बधेरवा किया गया फर्स्ट एवर मेगा क्विंटल सीड प्रोसेसिंग प्लांट कठुआ में किया गया है ओके okay. सो so ये यहाँ पर लेटेस्ट वेदर इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कियाझी छत पे जो कि यहाँ पर वैष्णो देवी जो लोग जाते हैं उनको पता होगा साझी छत तो रास्ते में एक्सपोर्ट एक आता है ओके सो फॉर कन्वीनियंस ऑफ दैष्णो देवी पिलग्रिम्स हाई एल्टीट्यूड रेडियो रिले स्टेशन एट दी पटनी ओके सो ये सब चीजें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में की गई अभी फिलहाल ये चीज की गई बट पिछले दिनों में जो चीजें की गई है ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर हरेक में हम यही पढ़ रहे फर्स्ट 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 टाइम 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 ये ये किया किया, किया तो सब कुछ फोकस जम्मू पे तो ये सब चीजें ये पैराग्राफ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी ऊपर वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है तो इस पैराग्राफ को तो, तो अच्छे से चाट के जाइएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम ओके okay. अगली न्यूज है यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया नया सॉफ्टवेयर फॉर द दिन असेसमेंट ऑफ द कोल रिसोर्सेज कोल से ही है ये न्यूज आपकी सो यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत ओके okay, कोल इंडिया लिमिटेड काम करता मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत हैज लॉन्च न्यू सॉफ्टवेयर जिसका नाम है स्पेशल एनहेंसमेंट स्पेशल स्पेक्ट्रल सॉरी स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट इसका नाम है स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट जो कि हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग दिस Coal exploration process. So, यहाँ पर एक लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर जिसका नाम स्पेक्ट्रल एनहेंसमेंट रखा गया जो की बेसिकली कोल कितना है जमीन में यहाँ पर कोल क्या क्या है किस क्वांटिटी में हो सकता है इन सब चीजों के लिए ये सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी और उसको एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है ये भी यहाँ पर क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये सब चीजें भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में सॉफ्टवेयर में बताई जाएंगी लॉन्च ऑफ द एस पी सॉफ्टवेयर एज्यूमिंग सिग्निफिकेंस ओके सो यहाँ पर यह जरूरी क्यों हुआ एज द प्रेजेंट सिस्मिक सर्वे टेक्निक जो है फिलहाल जो है

अपने आप में पहले तरीके का सॉफ्टवेयर जिसमें उन्होंने एसोसिएशन किया है विद द गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड विल ऑल्सो फाइल फॉर इट्स इट्सराइट प्रोडक्शन ओके सो तो यहाँ पर आपका ऊपर कोल की बात कर रहे हैं नीचे यहाँ पर उनकी दूसरी एक डिपार्टमेंट सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर डेवलप किया अपने आप में पहले तरीके का ये जो सॉफ्टवेयर किया था इसकी हम बात करें वो किया है गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ओके एंड दी मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंडिया में ही बनाऊ सॉफ्टवेयर ये हेल्प करेगा टू सेव टाइम ऑब्वियस का टाइम भी बचेगा कोस्ट भी बचेगी यहाँ पर जल्दी से एक्सप्लोर हो जाएगा कोल यहाँ पर वही चीज एंड सी आई एल सी एम डी श्री प्रमोद अग्रवाल ने लॉन्च किया एक सॉफ्टवेयर को इन प्रेजेंस विद द प्रेजेंस ऑफ दी आर एंड डी बोर्ड ऑफ सी आई एल कम्प्राइजिंग ऑफ़ सीनियर डायरेक्टर्स एंड बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे तकरीबन सी आई एल एट्टी परसेंट इंडिया को आउटपुट यहां पर से ही निकलता है ओके okay, चलिए आगे चलते हैं हम नेशन वाइड सेलिब्रेशन आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड भारत को, कोकिंग कोल लिमिटेड मिनी रत्ना कंपनी मनश्यो कोल के तहत इन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसके तहत यहाँ पर सैनिटेशन एंड कोविड नाइन्टीन रिलेटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स आपके लिए गए एंड उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेजर्स लेने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड दी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया सी एस आर डिपार्टमेंट ऑफ बी सी सी एल ने डिस्ट्रीब्यूट किया वन ट्वेंटी सैनिटरीज एंड द फेस मास्क टू द रेजिडेंट ऑफ दलगोरिया बस्ती ओके सो उनको ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं ओके मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम टू तो स्प्रेड अवेयरनेस एंड सैनिटेशन

वहां पर था साथ में थी आपका ए एस कॉर्बेट आइनस किल्टन था एंड आइनस कोरा था एंड पी ए टाई लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल ये तो हर एक एक्सरसाइज में होता ही होता है सो so, इस एक्सरसाइज में यहाँ पर सिम्बक्स में यहाँ पर कौन था आइनस रनविजय था आइनस किल्टन था आइनस कोरा था ओके okay. सो so, 1994 से ये चीज कंडक्ट की जा रही है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में 1994 में सिंगापुर सिम्बैक्स द इंडियंस नेवी इज लॉन्गेस्ट अंड इंटरप्टेड बायोलेटर मैरिटाइम है इंडिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है आपकी किसी भी फॉरेन नेवी के साथ सिम्बैक्स ये भी ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिम्बैक्स लिख करके आइएगा राइट चलिए आगे चलते हैं मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन दी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशेज ओके सो इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में एक एमओ यू साइन किया गया है ये एम ओ यू अब बेसिकली यहाँ पर आपका इकोनॉमिक uh, ग्रोथ है और इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पर रूरल एरिया में ग्रामीण इलाकों में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये चीज की गई है न्यू अक्रीडेटेड मॉडल्स ऑफ नेमली ए हेल्प ए हेल्प इसका नाम है ओके okay. डिट एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग एंड फाइन फिशरीज ये पूछा जा सकता है आपसे और एक मॉडल क्या बनाया गया ए हेल्प नाम का मॉडल बनाया गया है ये मॉडल आपका क्या काम करेगा उसमें बताता हूँ पहले इसकी फुल नेम अच्छे से याद रख लेगा ये जो है ये प्रोवाइड कराएगा टू तो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी ट्रेन अंडर दी, दी एनआरएल फॉर लाइफ स्टॉक्स बाई प्रोवाइडिंग फर्दर ट्रेनिंग एज ए हेल्प वर्कर्स so, ए हेल्प के तहत बेसिकली आपका यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को ताकि वो आगे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अभी फिलहाल ए हेल्प जो था वो किसी एक यहाँ पर आ, क्या क्या था मैं ओके सो ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर आपकी अंडर डी एनआर लाइफ स्टॉक प्रोवाइडिंग फॉर द ट्रेनिंग एज ए वर्कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इम्प्लीमेंटेशन स्पेशल लाइफ स्टॉक सेक्टर पैकेज ये भी इन्होंने अनाउंस किया था यहाँ पर आपका अगले पांच सालों में आपका ये भी अचीव करेंगे दो हजार इक्कीस बाईस में ये चीज दी जानी स्पेशल लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक क्या होता है तो जो पशु होते हैं आपके उनको हम लाइफ स्टॉक कहते हैं आगे चलते हैं हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा डी के साथनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड एशिया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस ने एग्रीमेंट साइन किया है प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्चर एंड माइंड्स एंड टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑप्शन ईस्टर्न रीजन सो यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है साई ए आर डी के साथ साइन एआरडी के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया गया है यहाँ पर एन एम सी जी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का यहाँ पर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साइन किया गया एग्रीमेंट जिसके तहत यहाँ पर वो आपका एक दूसरे साथ मिलकर रिसर्च कर क्रिएट करेंगे और जो यंग लोग हैं उनको भी यहाँ पर नया कुछ सिखाया जाएगा विद दिसम ओ यू साइयाड विल बी कंसिडर एज द नेशनल रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर फॉर दी एन एम की यहाँ पर पूरी पूरी मदद करेंगे उनके ऊपर होल्ड करेंगे और देखेंगे क्या काम करता है और कैसे किया जाता है एंड द बिल्डिंग पॉलिसी मेकिंग कैपेसिटी फॉर रिवराइन इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड डाटा बेस कोड्स ओके सो कहाँ पर ये बनाई जा रही है नई बिल्डिंग uh, कोई परमिट परमिट वाली जगह है नहीं है सो so वो सब चीजें आपकी आपकी डेवलपमेंट और डिजिटल रिवर लाइब्रेरी रिवर म्यूजियम एंड ऑनलाइन न्यूज पोर्टल सो so ये सब चीजें आपकी यहाँ पर आ, चेक की जाएंगी की जाएंगी या फिर डेवलप की जाएंगी कह सकते हैं इन दिस विल बी डन बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ओके इसके द्वारा ये किया जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑशनोग्राफी वर्चुअली साइन किया है एक विद दी रशिया का एवी वी नेशनल साइंटिफिक सेंटर के साथ सो so, इंडिया के एन एस आई आर ने यहाँ पर एम ओ यू साइन किया है किसके साथ ये साइन किया है रशिया के एक कंपनी के साथ रशिया की कंपनी के साथ ये एम ओ यू साइन किया गया है ओके okay, और ये एम ओ यू बेसिकली साइन किया गया है आपका सी एस आई आरिया के बीच में टुवर्ड्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ओके पानी के फील्ड में रिसर्च जो सेंटर्स हैं बाकी कोची मुंबई को में है सीबीडी टी नोटिफाइड आई टी रूल्स फॉर टैक्सेबल इंटरेस्ट एट ओन पी एफ कॉन्ट्रो ओके सो सीबीडी टी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने नोटिफाई किए कुछ रूल्स यहां नए रूल्स बनाए यहाँ पर और ये नए रूल्स किससे थे नए रूल्स है आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है ठीक है सो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट मिलता है विच इज अर्न थ्रू इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड बट यहाँ पर हम इंटरेस्ट बात करें जो आपको ईपीएफ के थ्रू मिलेगा और वो मिलेगा ढाई लाख या फिर पांच लाख से ज्यादा ढाई लाख एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट शैल अप्लाई फॉर दी ईपीएफ मेंबर्स Well no like, okay. so, बेसिकली क्या किया गया अगर हमारा कस्टमर है हमारे पास रहता है ओके सो यहाँ पर आपका ढाई लाख और पाँच लाख किया गया ढाई लाख एनुअल कंट्रीब्यूशन ये अप्लाई किया जाएगा ई पी एफ मेंबर, अगर ई पी एफ का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मेंबर है उनके यहाँ पर रजिस्टर करा रखा है ओके तो ढाई लाख एनुअल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मैक्सिमम उसके ऊपर बियंड अगर जाएगा तो यहाँ पर उसको टैक्स टैक्सेबल इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट जो मिलेगा और अगर जनरल और सेटरी प्रोविडेंट फंड है यहाँ पर आपका है इनकम टैक्स नेम्ड आई टी नेम्ड आई टी ट्वेंटी फिफ्थ अमेंडमेंट रूल यहाँ पर दिखाए गए हैं गवर्नमेंट हेड एंड फाइनेंस एक्टी ट्वेंटी वन यहाँ पर, uh, पर, पर इंट्रोड्यूस किया था नया प्रोविजन जिसमें यहाँ पर आपका इंटरेस्ट दैट मेक्स इंटरेस्ट इन पी एफ अकाउंट ऑन कंट्रीब्यूशन अपू पॉइंट लाख टैक्सेबल ओके ढाई लाख तक आपका इंटरेस्ट जो आपको मिलना था उसको यहाँ पर टैक्सेबल किया गया था बट अब ये चीज ढाई लाख तक फ्री कर दी ढाई लाख के ऊपर यहाँ पर टैक्सेबल उसको कर दिया गया है ओके सो गॉट इट बस सिंपल इतनी ही न्यूज है ढाई लाख और पांच लाख अलग अलग है अगर कंट्रीब्यूशन uh, करते हैं ई पी एफ के मेंबर है 6 लाख अगर वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा ओके okay, तो 5 लाख का आपका इसमें है आपका 5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल है टैक्सेबल मतलब कि इससे ऊपर जो एंटर जाएगा वो टैक्सेबल है इससे नीचे वाला नहीं है जबकि ये पहले ऐसा होता था ओके okay. आगे चलते हैं हम

ये सब चीजों के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है इसमें तकरीबन दस लाख फॉर्म टू तो ट्रेन दस लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी तीन सालों में बजट ऑफ तेरह सौ करोड़ ओके सो ये ट्रेनिंग कितने है? 63 हैं सिक्सटी थ्री है कितने आर्टिस्ट हैं पंद्रह सौ है इसकी स्कीम का पूरा नाम याद रख लेगा एंड समर्थ वाज फॉर्म टू तो ट्रेन टेन लैक इन थ्री ईयर्स हब फॉर पेंडेमिक एंड इंटेलिजेंस एज अ पार्ट ऑफ इट्स हेल्थ प्रोग्राम सो पर फिलहाल डब्ल्यू एच ओ नेटअप किया है अपने आप में एक पहले तरीके का डिपार्टमेंट कह लीजिए हब कह लीजिए यहाँ पर जो कि नाम है डब्ल्यू एच ओ हब फॉर पेंडेमिक एंड एंडमिक इंटेलिजेंस जिसको किया ये यह हब यहाँ पर इसको इन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हंड्रेड डॉलर हंड्रेड मिलियन डॉलर की आपकी मिल चुकी है आपकी यहाँ पर आपकी जर्मनी से

चारियात यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी बर्लिन के द्वारा ओके okay, सो so यहाँ पर आपका ये चीज़ आपकी प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पर ये सेटअप करेगा एंड एमोव्यू वाज क्रिएटेड बिटवीन द डब्ल्यूएचओ एच ओ एंड द रोबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट आपका हुआ था डब्ल्यू एच ओ एंड रोबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के तहत ये हुआ था फर्स्ट ऑफ इट काइंड एंड अपेडमिक इंटेलिजेंस ओके

राइट ओके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की एक रिपोर्ट ये आपके नीचे रिपोर्ट का टाइटल दे रखा है जिसके तहत यहाँ पर आपका जितने ज्यादा डिजास्टर हुए हैं फ्लड साइज हीट वेव साइन ड्यू टू एनी ऑफ क्लाइमेट चेंज इसके बाद यहाँ पर पिछले पचास सालों में यहाँ पर पांच गुना केसेस बढ़ गए देर मोर देन इलेवन थाउजेंड रिपोर्टेड डिजास्टर एट्रीब्यूटेड टू दीज हजार्ड्स Globally with just over 2 million deaths and सबसे ज्यादा महंगा जो पड़ा था वो हाल ही में यहाँ पर एक हॉरिकन आया था ईदा नाम का यूएस गोल्फ कोस्ट में ये सबसे महंगा आपका अब तक का आंका क्या है ओके रिपोर्ट का नाम किसके द्वारा दी गई ये पूछा जा सकता सबसे है सबसे इम्पोर्टेंट और ये ग्यारह हजार थ्री पॉइंट सिक्स फोर ट्रिलियन एंड ईदा के बारे में और उसकी लोकेशन के बारे में आगे चलते हैं PFRDA ने इंक्रीज एनपीएस एंट्री एज फ्रॉम टू ओके सो पर पैंसठ से सत्तर साल एनपीएस एनपीएस यहाँ पर आपका नेशनल पेंशन सिस्टम आप भी जब जॉब लग जाओगे तो आप सबको भी यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम में एनरोल करना होगा यहाँ पर आपको एक नंबर भी अलॉट किया जाएगा आपका कार्ड आएगा जैसे आपका पैन कार्ड होता है वैसा ही आपका एक पैन कार्ड बन के भी आएगा ठीक है सो so, ये नेशनल पेंशन सिस्टम 65 फाइव ईयर्स से सेवेंटी ईयर्स इसकी एज कर दी गई है यानी कि कोई भी पर्सन एन पी एस में एंट्री ले सकता है इवन सिक्सटी सिक्स ईयर्स में भी अगर वो चाहे तो ले सकता है और इसकी जो आगे बुनियाद है आपकी सिक्सटी फाइव से सेवनटी फाइव सेवेंटी ईयर्स कर दी गई है कोई भी इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इंडियन और नॉन रेजिडेंट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि सिक्सटी फाइव से सेवेंटी ईयर्स के बीच में यहाँ पर एलिजिबल होंगे टू द एंड कंट्रीब्यूट अकाउंट एज ऑफ दिस ओके एंट्री एज सिक्सटी फाइव सेवेंटी है बट से जो मैक्सिमम एज है जब तक ये जा सकता है सेवनटी फाइव ईयर तक ये जा सकता है ओके okay. सो so आपका पैसा भी एनपीएस में यानी कि आपके आपकी जो कंपनी है वो दस परसेंट देगी अगर आप बैंक में जॉब करते हो तो आपको चौदह परसेंट कंपनी की तरफ से दिया जाएगा आपके बैंक की तरफ से दस परसेंट आपको पे करना पड़ेगा तो चौबीस परसेंट महीने का आपका इन दी फॉर्म ऑफ द एनपीएस इकट्ठा होता रहेगा और एनपीएस एक प्रकार से शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में ही आपका पैसा इन्वेस्ट करता है विद सम सम रिस्क दी कुछ आराम से तसली तो से करता है यहाँ आप पर आपका फंड मैनेजर्स बैठे हैं बहुत एक्सपर्ट ओके सो ये चीज आपकी की गई है यहाँ पर आपका पी एफ आर डी ए ने इंक्रीज किया एनपीएस एंट्री फ्रॉम सिक्सटी फाइव टू फंड and the asset allocation with the maximum equity exposure of 15% and 50% under the auto and active choice respectively. okay so यहाँ पर आपका customer ke paas yahan par choice rahegi asset allocation and the pension fund को चुनने की with the maximum equity exposure of 15% okay ज़्यादा साध उसमें equity percentage जो है share market में जो आप invest करोगे उसमें 15 से लेकर 50% के बीच में ही आपका पैसा जा सकता उसके अलावा नहीं जा सकता उसके अलावा दूसरे जो दूसरी जो फैसिलिटीज हैं इन्वेस्टमेंट की उनमें आप जरूर कर सकते हो इन्वेस्ट ओके सो ये नीचे सारी चीजें लिखी हुई है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपको एग्जिट करना है आपको अगर आपका गोरबस पांच लाख से ज्यादा है पांच लाख तक है फिर आपको एग्जिट करना है तीन साल कंप्लीट हो चुका है तो इन सब में यहाँ पर आपका कितनी कितनी फंड्स जो है कितना कितना परसेंटेज जो है वो आपसे लिया जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज अमाउंट कुड बी विड्रोन एज दी लमसम सम मिनिमम परसेंटेज अमाउंट शुड बी यूज फॉर एन्यूटी पर्पज ओके सो यहाँ पर आपका आपको एन्युटी पर्पज़ की हर एक साल आपको थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाएगा हर एक महीने और एक साथ साठ परसेंट दे दिया और बाकी चालीस परसेंट आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाएगा जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन इंडक्टेड इन्होंने शामिल किया है दोरजे अंगचुक को उनका ऑनरेडी मेंबर सो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इंडक्ट किया था यहाँ पर इंडिया के दोजी अंगचुक को एज वन ऑफ द ऑनरेडी मेंबर्स अलोंग विद अदर कंट्रीज ओके अदर इंडक्टे ओके सो यहाँ पर डोरजी को शामिल किया गया इंडिया के यहाँ पर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में इंडिया इसका चेयरपर्सन है एंड ही इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बिकम दी मेंबर ऑफ द आई ओके सो इकलौते ऐसे यहाँ पर और पहले पर्सन है जिनको चीफ ये मेंबर ये बनाया गया है इसका इंडिया की तरफ से in Astro, ही करंटली सर्व से इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो एस्ट्रोफिजिक्स में यहाँ पर लद्दाख में ये आपके काम कर रहे हैं समिंग अबाउट द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एंड दस्ट्रोनोम आई आई टी मद्रास ने लॉन्च किया एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जिसके तहत तो वो ट्रैक कर सकता है रिकवर कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन से होते हैं मान लीजिए मेरा लैपटॉप खराब हो गया मेरी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होगी तो मैं उसको फेंक देता हूँ दो हजार दो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई सोर्स एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैकिंग एंड रिकवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट स मोटराइज व्हील चेयर वॉल्पादी आई आई टी मद्रास आई आई टी मद्रास के कुछ इनिशियेटिव इसलिए दे रखे हैं और अब ये एक नया इनिशियेटिव लेकर आए ई सोर्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जिसके साथ ट्रैक किया जा सकता है रिकवर किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपके पर आपके जाएंगे okay, so डायरेक्टर भास्कर रामा okay, दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद कर तो पसंद आया होगा एक आप सभी को एक इंफॉर्मेशन दे दूं जाने से पहले वो है हमारे स्टडी नीति से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है स्टडी नीति वेबसाइट से रिलेटेड ऐप से रिलेटेड अगर आप आ, अगर आप हमारे एनअल टेस्ट के मोक टेस्ट के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये जो एक नया पीडीएफ कोर्स आ चुका है ओके क्रैकर क्विज आपके लिए आ चुकी है दिस इज दर आर बी पी ओ मींस के लिए आर आर बी पी ओ मीनस के लिए ये क्रैकर क्विज आ चुका है पंद्रह दिन का ये क्रैकर क्विज है इसमें आप इसको क्विज मोड के थ्रू दे सकते हो और ये पी डी एफ का जो है ये पी डी एफ जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एक साथ सारी डाउनलोड करके रख सकते हो फिलहाल ये पंद्रह दिन का कोर्स है मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए इसके बारे में डाउनलोड कर लीजिएगा शेड्यूल तो आपका शेड्यूल पूरा पता चल जाएगा एंड एज वेल एज अगर अगर आप एनुअल टेस्ट सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है आपको कुछ भी अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है हाँ अगर आप एनुअल टेस्ट सब्सक्राइबर नहीं हैं और अगर आप एनुअल टेस्ट हमारा कल रात 12 बजे तक खरीद लेते हैं तब आपको ये चीज़ फ्री मिल जाएगी और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इनकेस अगर आप एनुअल एनअल टेस्ट ले लेते हैं हमारा तो फिर आने वाले जितनी भी क्रैकर क्विज होंगी इस सीज़न में यहाँ पर चाहे आपका आने वाला एग्ज़ाम हो आरआरबी का क्लर्क हो या फिर आईबीपीएस uh, क्लर्क हो पीओ हो एस बी हो तो ये सब चीज़ें की टेस्ट सीरीज जो है क्रैकर क्विज है वो आपको प्री मेंस की फ्री मिलेगी अगर आप एनुअल मॉक टेस्ट ले लेते हो तो सो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द एनुअल मॉक टेस्ट इसके लिए अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है इसका भी वैसे अलग से अगर अकेला खरीदना तो खरीद लो बट आई डोंट थिंक कि वो कितने खरीदोगे आप महंगा बहुत पड़ जाएगा तो इसलिए एक एनुअल मोक टेस्ट खरीद लो एनुअल मॉक टेस्ट खरीद सकते हो प्लान में जाओ मॉक सब्सक्रिप्शन में जाओ ठीक है और यहाँ पर ये आपको ये फोर फोर्टी दिखा रहे फाइव हंड्रेड दिखाएगा आपको ये टेक्निकल ग्लिच है यहाँ पर ठीक है दिस विल बी शोइंग यू ये, 500 रुपीज, ये 500 रुपीज में आप इसको परचेज कर सकते हो ठीक है यू कैन परचेज इट फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज ये आपको पाँच सौ रुपये में मिल जाएगा और पाँच सौ में क्या मिलेगा पाँच सौ में ये फर्स्ट पेज पे जितने भी आपको थंबनेल दिख रहे हैं ये आपके ग्राफिक्स दिख रहे हैं इन सब एग्जाम के आपको यहाँ पर बुफ टेस्ट मिलेंगे एक साल के लिए प्री के मेंस के हिंदी में इंग्लिश में ऐप में भी है और वेबसाइट पे भी है ठीक है आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा इसी तरह जुड़े रहेगा बने रहेगा और ये पीडीएफ कोर्स ये देख सकते हैं पिछले पी कोर्स सब देखो अवेलेबल है फायदा देखो कितना था ये एक बंडल पी कोर्स इसको छोड़ दो मेन्स एग्जाम का और एक ये स्टडी नहीं थी बैंकिंग पीडीएफ कोर्स छोड़ दो तो बाकी जितने पीडीएफ कोर्स आए थे ना आई क्लर्क का आया आई बी एस क्लर्क का आरआरबी पीओ का एंड आरआरबी आर वी का ये सारे एस बी क्लर्क क्रैकर क्विज ये सारे के सारे फ्री मिले थे हमारे एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर को एनुअल मॉक टेस्ट वालों को फ्री मिले थे ये तीस तीस दिन के थे ये तो मेंस का पंद्रह दिन का क्योंकि पंद्रह दिन ही बचे हैं बट वो तीस तीस दिन के थे वो सब फ्री मिले थे जिन्होंने पहले से हमारा मॉक टेस्ट ले रखा था ठीक है तो एनुअल मॉक टेस्ट ले लेना ताकि आने वाले जो आने वाले जो तीन चार एग्जाम अभी पेंडिंग है जो कि इस सीरीज में और जो बचे हुए क्रैकर क्विज है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए फ्री में ठीक है तो ले लेना कल रात के बारह बजे पहले ओके चलिए टेक केयर बाय सी यू अगेन मिलते हैं फिर आपसे रात को दस बजे एक एमसीयू क्लास होगा एमसीयू क्लास का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर, कर सकते हो आप मेरी एमसीयू की क्लास को बाय बाय